Morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 17, natural vegetation, part 3. We have seen the two parts of this chapter, and we have learned everything we can say, or most of the things about natural vegetations, right? We have seen the introduction, the definition of it, what is natural vegetation, why it requires, what is the importance of it. We have seen the types of natural vegetations which founds in India, that is all types of forest, whichever founds in India, like tropical rainforest, evergreen forest, right? It's one and same. Then deciduous forest, thorny forest. We have discussed this in the first part. In second part itself, we also gone through the other forest, that is temperate or grassland forest, right, which is also called as coniferous forest. Then tidal forest, which is also called as mangroves forest. So this many types of forests are found in our country, India, right, which have specific types of distributions of their land, of their rain. Right, these forests are classified according to the rainfall which they receives. Okay? Then whichever types of trees available in different types of forest, we have gone through that, and we have also learned that whatever types of trees is used, or its utility, we have learned that we have gone through the importance of natural vegetations or forest. Forest ka importance kya hai? Ye padha. फॉरेस्ट की यूटिलिटी क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए कितना फायदा कारक है, और उसकी यूटिलिटीज हमने गो थ्रू की है. सो वी कैन से दैट नेचुरल वेजिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर लाइफ एज वेल एज ऑन द अर्थस लाइफ. वी कैन से हम देखते हैं कि अर्थ बीमार पड़ता जा रहा है, राइट. आई हैव शोन यू मेनी पिक्चर्स लाइक दैट ऑल्सो, राइट. तो वो बीमारी का कारण क्या है, दैट इज वी आर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट्री एरियाज को खत्म कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक नेचुरल कैलामिटीज, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड सो ऑन, राइट. सो लेट्स लर्न फर्दर अबाउट दिस नेचुरल वेजिटेशन. Now we'll going to read forest conservation. Forest को कैसे conserve किया जाए, conserve यानी आप forest को कैसे बचा सकते हो, ठीक है, उसके क्या ways है कि आप इसको बचाओ. In the picture you see, stop deforestation and let us breathe. Trees या forest हमसे कह रहे हैं कि deforestation मत करो, यानी forest को मत काटो और हमें जीने दो, हमें breathe करने दो. सो लेट्स रीड के फॉरेस्ट कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो. इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटर रिलेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड. सी, मैनकाइंड लिव्स इन बायोस्फीयर, ठीक है. बायोस्फीयर में वो तीनों स्फीयर आ जाते हैं, विच वी कॉल एटमोस्फियर, राइट, जिसमें एटमोस्फियर पूरा आ गया, एनवायरमेंट आ गया. सो वो सब मिला के बनता है बायोस्फियर, और बायोस्फियर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, राइट. सो वॉट हियर इट्स टेलिंग के इकोसिस्टम, हमारा जो एनवायरमेंटल सिस्टम जो है, और एनवायरमेंटल सिस्टम इज मेड आउट ऑफ बायोस्फियर, राइट. और ये दोनों का इंटर रिलेशन है, बायोस्फियर और मैनकाइंड का, ये दोनों का क्या है, इंटर रिलेशन. जैसे मैंने कहा कि देर आर थ्री स्फीयर, ये तीनों स्फीयर जब मर्ज होते हैं तो वो मैनकाइंड के लिए जीने की हेल्पलाइन बन जाते हैं. बायोस्फीयर इंक्लूड्स एटमॉस्फियर, एक स्फीयर मैंने बताया दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. सेकेंड इज हाइड्रोस्फियर, दैट इज वाटर बॉडीज, एंड थर्ड इज लिथोस्फियर, दैट इज लैंड. तो ये तीनों जब मिलते हैं तो बनता है बायोस्फीयर. और हमारा और बायोस्फीयर का, यानी लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों का एक बहुत ही गहरा संबंध है. वी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. बट ड्यू टू द एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड सेल्फिशनेस ऑफ मैन, द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड. क्योंकि हमारी जो एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है, एंटी एनवायरमेंटल यानी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, वॉट एवर और विच एवर अवर एक्शन आर, इट्स ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ एनवायरमेंट.
इट ऑलवेज डैमेज द एनवायरमेंट. ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज है इसे हम कहेंगे एंटी एनवायरमेंटल, विच इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट. इंस्टेड वी आर हार्मिंग एनवायरमेंट, वी आर डैमेजिंग एनवायरमेंट. और हमारा जो सेल्फिश मोटिव है, मैन आर ऑलवेज सेल्फिश, राइट. तो हमारी जो सेल्फिशनेस है, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं. Man's insatiable desire to procure land is responsible for the destruction of forests. मैंने आगे भी शायद ये टॉपिक समझाया है that whatever problem today we are facing, whether it is a natural calamities, whether it is a environmental imbalances, or whether it is a man-made calamities, or whether we can say problems that we are facing like poverty and financial issue and whatever. इन सबकी एक ही जड़ है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन. गेटिंग? अब यू फाउंड कि ओवर पॉपुलेशन इस हद तक बढ़ रही है, पॉपुलेशन इस हद तक बढ़ रही है दैट अब जमीनें कम पड़ती जा रही हैं. सी, वर्ल्ड एक अर्थ लिमिटेड सोर्स है, ठीक है. अब उस लिमिटेशन से आप वो अर्थ को बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा अर्थ जितना है उतना ही रहेगा. गेटिंग? बट इंस्टेड क्या हो रहा है, what happening, population बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्कूल. एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में पहले 25 स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन इतने बढ़ रहे, इतने बढ़ रहे, 25 से 30 हो गए, ठीक है, 30 आ जाएंगे एक क्लास में, 30 से 40, 50 हो रहे हैं. अब एक क्लास में मैक्सिमम आप 30 या 35 ला सकते हो बच्चे, बट इंस्टेड 50, 60 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये हो गया ओवर पॉपुलेटेड. क्लास तो उतनी साइज का ही है, क्लास बड़ा नहीं हो सकता, गेटिंग, पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. सो अर्थ इज समथिंग लाइक क्लास एंड स्टूडेंट्स आर समथिंग लाइक पॉपुलेशन, गेटिंग. सो हमें और जमीनें चाहिए, हमें रहने के लिए और जगह चाहिए. उस और जगह के लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट्री एरियाज काट दिया ताकि हम उस जमीन पे बिल्डिंग बना सके, कंस्ट्रक्शंस कर सके, गेटिंग, हम वहां एग्रीकल्चर कर सके, क्योंकि इतने सारों का पेट भरना है, हमें एग्रीकल्चर चाहिए. तो समवेयर हमारी जो ये डिजायर है ये कभी खत्म ही नहीं हो रही है, गेटिंग, कि हमें और जमीनें चाहिए और लैंड चाहिए. और जिसकी वजह से हमारे पास अब क्या बचा है, फॉरेस्ट बचा है. फॉरेस्ट, लोग ये सोचते हैं फॉरेस्ट क्या काम करे, ऐसे कट डाउन करते, ये जमीन वेस्ट जा रही है, हम जमीन यूज करेंगे. बट दे डोंट नो द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज द बिगेस्ट इश्यू. यू कैन सी यहाँ पे वही दिया है कि अर्थ कैसा बीमार हो गया है. क्यों बीमार हुआ है, ट्रीज कट डाउन हुए हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन यू कैन सी हियर. सो फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड आल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे अभी मैंने यही समझाया कि फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा और मेन रीजन है दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉलिसी ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स दूसरा रीजन है कि उतनी ही स्पीड से, क्योंकि हमें मॉडर्नाइजेशन तक पहुंचना है, क्योंकि हमें बहुत ही डेवलप्ड करना है अपनी कंट्री को, तो उस डेवलपमेंट की दौड़ में कहीं ना कहीं हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं. और ये जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स होगा उतना पॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने चिमनीज में से बहुत सारे अनहाइजीनिक या डेंजरस टाइप्स ऑफ गैसेस रिलीज करते हैं, गेटिंग. एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, अर्बनाइजेशन, मैंने कहा अर्बनाइजेशन हमें चाहिए. हम इतने इक्विप्ड हो गए हैं, हमें आज व्हीकल के बिना नहीं चलता. यू कैन फाउंड के आज ट्रैफिक जैम कितना बढ़ गया है, राइट. एक एक, अगर मैं बोलूँ कि एक एक घर में एटलीस्ट दो दो तीन तीन व्हीकल्स होते हैं लोगों के पास, तो यू जस्ट इमेजिन के कितना पॉल्यूशन इंक्रीज होगा पेट्रोल डीजल और उसके गैस की वजह से. अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, बट उसके साथ साथ पॉल्यूशंस और उससे रिलेट करते हुए बहुत ही एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे डैम्स वगैरह, ये सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. बहुत फायदे हमने डैम्स के देखे, बट उसके साथ बहुत सारे नुकसान भी लेके आ रही है. और भी ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं. रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, झूम कल्टिवेशन बढ़ता जा रहा है. झूम कल्टिवेशन क्या होता है, झूम कल्टिवेशन का मतलब होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक फॉरेस्ट्री एरियाज की जमीन देखते हैं,
उस फॉरेस्ट एरिया की जमीन में से वो फॉरेस्ट यानी ट्रीज को काट देते हैं। उसे काट देने के बाद उस जमीन को जला देते हैं। जलाने का कारण ये है कि वहां जितने भी ट्रीज जो उसके जड़ या जो कुछ भी रह गया है वो सब जल के निकल जाए। जब वो लैंड साफ हो जाती है तब उस पर एग्रीकल्चर किया जाता है। अब जिस लैंड पर हमने ट्रीज काट दिए हैं, उस जमीन को बर्न किया है, तो व्हाट हैपेंस कि वो अपनी फर्टिलिटी ऑलमोस्ट खो चुकी है। अब ऐसी लैंड आपको ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 years या 4 years तक आपको वो लैंड ऐसी रहेगी कि आप उसमें कुछ एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हो। उसके बाद वो लैंड कंप्लीटली फर्टिलिटी खो देगी। उसके बाद वो लैंड कुछ भी ग्रो करने लायक नहीं रहेगी। गेटिंग? इसके बाद ये जमीन को छोड़ के फार्मर्स दूसरी जमीन जमीन फाइंड आउट करेंगे, जिसको कहते हैं जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन इंडिया में कंप्लीटली बैंड है, ये करना बैंड है, ठीक है? तो जूम कल्टीवेशन दूसरा होता है टिम्बर के लिए, कि वो जमीन को हम काट रहे हैं, मतलब हम फॉरेस्ट एरियाज काट रहे हैं, तो उसका वुड हम टिम्बर में जाने देंगे, फ्यूल वुड इकट्ठा करेंगे, फॉरेस्ट फायर करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, प्लस लैंड फर्टिलिटी जाएगी, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्ट्रप्टेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। सो हमारा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एनवायरमेंटल बैलेंस कंप्लीटली डिस्ट्रप्टेड हो जाता है, यानी कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस्ड ड्यू टू द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। और इसके क्योंकि हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया है, डैमेज किया है या खत्म किया है, इसके एक साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। दीज इंक्लूड डिक्रीज इन रेनफॉल। अब वो एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया, अब उसके नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले बारिश जो फॉरेस्ट की वजह से आती है वो कम हो जाएगी। डेजर्टरी एरियाज जो फॉरेस्ट होने से कम होता है वो बढ़ जाएगा, यानी ड्रॉट बढ़ जाएगा, सूखा बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की इशू आज हम फेस कर रहे हैं, ओवर टेम्परेचर, ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो जाएगा। एडवांसिंग डेजर्ट्स, डेजर्ट एरिया बढ़ते जाएंगे। शेल्टर लेसनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जैसा मैंने आगे फर्स्ट पार्ट में या सेकेंड पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉरेस्ट्री का एरियाज को काटने से हम वाइल्ड लाइफ के घर को छीन रहे हैं। आज वो वाइल्ड लाइफ हम देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में और सब जगह, फिर कि वो सारे वाइल्ड लाइफ आज विलेजेस में सिटीज में घुस रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। क्या कारण है? बिकॉज हमने उनका घर छीना है। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952, हमारे इस 1952 के नेशनल पॉलिसी के हिसाब से देयर मस्ट बी फॉरेस्ट ओवर 33% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द नेशन। ये नेशनल पॉलिसी 1952 में पास की गई थी कि एटलीस्ट हर एक जियोग्राफिकल एरिया नेशन के देखे तो उसमें 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारे हमारा कंट्री 100% है तो 100% में से 33% सिर्फ फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। अब इंडिया की बात करें, इन इंडिया फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर अबाउट 23% और एकर, वाइल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 20% ऑफ लैंड इन गुजरात। इंडिया की बात करें तो जो 33% होना चाहिए इंस्टेड हमारा सिर्फ 23% ही है, और उसमें भी 10% जो है वो गुजरात में है। नाउ यू कैन सी अ पाई चार्ट हियर, ये है फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। इस फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया में जो लाइट ग्रीन कलर आप मैक्सिमम देख रहे हो वो है नॉन फॉरेस्ट एरिया, यानी ये इतना बड़ा एरिया नॉन फॉरेस्ट का, यानी अराउंड 77.40% ऐसा है जो एरिया फॉरेस्ट है ही नहीं, इतना एक बड़ा एरिया जहां पे फॉरेस्ट ही नहीं है। फिर रेड कलर में जो छोटा सा देख रहे हो वो स्क्रब है, स्क्रब यानी छोटे टाइप्स ऑफ श्रब्स जो कहते हैं, ट्री प्लांट्स जो कहते हैं, वो मीडियम साइज के प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब सुना होगा, तो वो 1.26% ही है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट देख रहे हो आप, बहुत ही लाइट क्रीम कलर जैसा है, ये ओपन फॉरेस्ट सिर्फ 9.14% है। देन थोड़ा सा डार्क ग्रीन में आप जा रहे हो, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, थोड़ा बहुत डेंस फॉरेस्ट है, थोड़ा ही, राइट, 9.59% इतना एरिया जो है वो डेंस फॉरेस्ट है, ज्यादा डेंस नहीं, मॉडरेटली। और जो डार्क एरिया आप देख रहे हो डार्क ग्रीन कलर, ये सिर्फ 2.61% है
जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। यू कैन सी कि हमारा जो फॉरेस्ट्री एरिया है वो एक आप जो एक राइट एंगल जैसा जो देख रहे हो उसमें खत्म हो रहा है, गेटिंग सो विच इज वेरी बैड। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में नेक्स्ट है, दस इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड सो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है या डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन इज वन इज सेम। डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटना एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज सेम। तो ये हमें रोकना बहुत जरूरी है और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसे कंजर्व करना, ये बहुत ही जरूरी है। अब नीचे लाइक टू नो में देखो, इन गुजरात व्हाइट खाखरो, गूगल, निलसोटी, सीजम, आमली, अटक, हार्डे एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन रेड डेटा बुक ऑफ IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन कैटेगरी। ये जितने भी मैंने नाम लिए अभी, व्हाइट खाकरो, गूगल, निलसोटी, सीजम, आमली, अटक, हर्डे, ये सारे, ये जो है स्पीसीज, इसे रेड बुक, रेड डाटा बुक में इन लोगों ने रखा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्योंकि ये एक्सटिंक्शन के वर्ज में है। यानी ये पेड़ बहुत कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। जैसा डायनासोर आज हमें नहीं दिखते, वैसे एक वक्त के बाद ये सारे जो नाम है वो कहीं ना कहीं, ये सारे जो स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, गेटिंग। तो ये जो है ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन की कैटेगरीज में आए हैं। तो कोशिश ये है कि इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक बार खत्म हो गए फिर आप उसे कभी भी नहीं देख पाओगे। अब आता है रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, कंजर्व यानी कैसे बचाया जाए, क्या दवाई है या क्या रेमेडीज है इसके पीछे। In order to protect and conserve forests, the government of India implemented a national forest policy in 1952. तो इंडिया जागरूक हो गया उस वक्त तक जब हमें पता चला कि हम कौन सी हालत में पहुंच गए हैं। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई 1952 में। In 1980, the Parliament passed Legislative Act, and in 1988, a new national policy was announced. फिर 1980 में एक Legislative Act पास हुआ Parliament में regarding forestry conservation. उसके बाद 88 में भी एक नई national policy announced हुई. तो following steps should be taken to preserve forest. तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो इन सारी पॉलिसीज के बेस पर है कि हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व या कंजर्व कर सके। प्रिजर्व एंड कंजर्व इज फर्स्ट, फॉरेस्ट आर अवर नेशंस रिसोर्स, टेक इट एज अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ये जो फॉरेस्ट है ये हमारी धरोहर है, ये हमारी नेशन की रिसोर्स है, इसे हमारी एक मॉरल ड्यूटी समझ के हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप्ड, हम जो ट्रीज काट रहे हैं राइट उसे स्टॉप करना चाहिए। हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट द ट्रीज इलीगली, जो इलीगली पेड़ों को काट रहे हैं उनके लिए हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए। टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वेस्टलैंड रिवर, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स एंड रेज देम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वन महोत्सव में लोग पार्टिसिपेट करें। वन महोत्सव 1 जुलाई 2016 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था एंड देन आफ्टर वो एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है। तो ये जो वन महोत्सव है हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि पब्लिक इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, ये और सोशल फॉरेस्ट्री में। और इसके अलावा लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रीज को प्लांट करें ज्यादा से ज्यादा। कहाँ, जैसे एक वेस्ट लैंड है, खराब जमीन है, वहां अगर हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो धीरे धीरे वो जो जमीन है वो सॉइल इरोजन से बच जाएगी और वो फिर से फर्टाइल होने लगेगी। रिवर्स के आसपास हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स के आसपास हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, रोड्स के कॉर्नर्स में हम देखते हैं जैसे रोड्स के बीच में डाइवर्जन में हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं,
और इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर। कोशिश करें कि फॉरेस्ट फायर, जिसे हम दवनल कहते हैं, ये कभी भी ना हो, फॉरेस्ट में आग ना लगे। एंड इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउज्ड इमिडिएटली। और अगर फायर लगती भी, अगर किसी वजह से आग लग भी गई, फॉरेस्ट में आग लगने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से और वो जो फॉरेस्ट ट्रीज की जो लकड़ियां होती है वो सूख जाने से और एक एक दूसरे के साथ बैश करने से कभी कभार आग लग जाती है, और वह एक बार जरा सा भी आग लगा मतलब वो फैलने लगती है। अगर बाई चांस ऐसा होता भी है तो कोशिश करें कि इमिडिएटली उस आग को डाउस्ट करें, यानी रोका जाए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल थ्रू एनवायरमेंटल एडुकेशन एंड स्कूल सिलेबस। सेलिब्रेट एनवायरमेंट रिलेटेड डेज। एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है एनवायरमेंट के बारे में, राइट? कैसे? तो एडुकेशन सिस्टम में एक एनवायरमेंटल सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कूल सिलेबस में जैसे आज ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, वैसे ही हर एक स्कूल सिलेबस में एनवायरमेंट्स रिलेटेड, एनवायरमेंट को कंजर्व करना और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स होने चाहिए। हम हर एक ऐसा डे सेलिब्रेट करें एनवायरमेंट से रिलेटेड, जिससे हम में एनवायरमेंटल अवेयरनेस आए। Use renewable energy resources such as solar energy, bioenergy, wind energy, etc. in a place of traditional resources like wood, which is used to get energy. जहां जहां जिस जिस जगह पे हमें वुड को यूज करना पड़ रहा है एनर्जी रिसोर्स के लिए, इंस्टेड हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहों पे हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, जो बार बार जितना चाहे आप उतना यूज कर सकते हो, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जीज को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जो बार बार रिन्यू हो सकती है, गेटिंग? तो उसे ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ वुड, ओके? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट। जितना कोशिश हो सके उतना लोगों को फॉरेस्ट के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के थ्रू, यानी न्यूज चैनल्स, एडवर्टाइजमेंट्स और जो भी हम टीवीज में देखते हैं उसके थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए, राइट? और जितनी हो उतना पब्लिक अवेयरनेस लाया जाए कि फॉरेस्ट एरियाज या ट्रीज कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे नेचुरल वेजिटेशंस, हमारे आज जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ग्रो मोर ट्रीज एंड कंजर्व फॉरेस्ट और प्रिजर्व फॉरेस्ट। लाइक टू नो, देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो अभी हमने डिस्कस किए, कि ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज होने चाहिए जिसे हमें या पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए और वो सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो एनवायरमेंट रिलेटेड डेज जैसे 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 21 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 अप्रैल इसे वर्ल्ड अर्थ डे की तरह मनाया जाता है। 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। जुलाई मंथ का पूरा, जो हमारा जुलाई मंथ है, ये पूरा मंथ सेलिब्रेट होता है एज अ वन महोत्सव। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजन डे। ये कुछ ऐसे डेज है विच इज सेलिब्रेटेड फॉर और टू सेव एनवायरमेंट, ओके? नेक्स्ट लाइक टू नो में देखते हैं, द ईयर 2011 वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग ग्लोबल अवेयरनेस। 2011 का जो साल है उसे वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर की तरह डिक्लेयर किया गया था, जिससे ग्लोबल अवेयरनेस आए, नॉट ओनली इन इंडिया बट द वर्ल्ड इसका ग्लोबल अवेयरनेस को समझ सके अबाउट फॉरेस्ट, राइट? कि फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये ग्लोबली यानी पूरे अर्थ में हर एक जगह पे लोग समझ सके, ये अवेयरनेस आए उनमें। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स टू मैनेज फॉरेस्ट, टू कंजर्व फॉरेस्ट and plant trees to help environment, society and rural development. Social forestry हमने आगे देखा कि वन महोत्सव में और social forestry में participate करें। तो social forestry क्या है? Social forestry एक ऐसा committee है या एक ऐसा organization है जो forest को manage करती है, forest को बचाती है, conserve करती है, preserve करती है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो वो plant grows करती है, जिससे environment को help मिले, society को help मिले और rural development हो। FRI जिसे कहते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में लोकेटेड है,
और अंडरटेक्स फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च, ये जितने भी फॉरेस्ट से रिलेट करते हैं ऐसे सारे रिसर्च उसको अंडरटेक करते हैं, ठीक है। सो वी एंड अवर लेक्चर हियर एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कहीं ना कहीं आप लोग भी अवेयर हुए हो, राइट, बाय दिस चैप्टर और थ्रू दिस चैप्टर कि नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए कितना जरूरी है, राइट। ये नेचुरल वेजिटेशन ही हमारे अर्थ को सेफगार्ड कर सकता है, सिक्योर कर सकता है बाय ऑल सच इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एंड नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल सच गेटिंग। सो एक ही सॉल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम का और वो है फॉरेस्ट। जितना हो सके फॉरेस्ट्री एरियाज बढ़ना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बट एज अ सिटीजन वी शुड ट्राई कि जितने हो सके हम ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें, राइट। हम वन महोत्सव को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, हम अपने एरियाज में, हम अपने घर के आसपास जितने ज्यादा हो सके उतने प्लांट्स ग्रो करें, जिससे कहीं ना कहीं हम एक एक छोटे से पार्ट से शुरू करें और ये अवेयरनेस सब में बढ़ती जाए और कहीं ना कहीं हमारा जो एरिया है, हमारा जो सिटी है, वो उतना अवेयर हो जाए कि ग्रीनरी कितनी जरूरत है। गेटिंग, सो होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टूड इट्स इम्पोर्टेंट वेरी वेल। एंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। अप टिल, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।